नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। सरकारी क्वार्टर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पलामू डीसी के स्क्वाड वाहन व एसपी आवास का ड्राइवर अरेस्ट। पलामू डीसी के स्क्वाड वाहन के ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार यादव एवं एसपी आवास के ड्राइवर प्रकाश कुमार को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके खिलाफ सरकारी क्वार्टर में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश कुमार के खिलाफ पहले भी इस तरह की शिकायत मिली है, लेकिन मामले को दबा दिया गया था। आरोपी प्रकाश कुमार शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, जबकि आरोपी धर्मेंद्र कुमार यादव विवाहित नहीं है। सड़क हादसे में रांची के 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार की उड़े पर कच्चे। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार के बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मारने के कारण यह हादसा हुआ है। कार पलटने से ड्राइवर समेत सभी 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से इन्हें रिम्स भेजा गया। डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मृतक बरियातू बस्ती व ओरामांझी के रहने वाले थे। सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि लगभग 2 बजे रात्रि की घटना है। स्विफ्ट डिजायर कार से राजू साह को छोड़ने के लिए ओरामांझी जा रहे थे। इसी क्रम में चौधरी पेट्रोल पंप और विकास एनक्लेव के बीच सड़क हादसा हो गया। झारखंड में धूमधाम से मना कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झंडा तोलन किया। सेवा दल के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापना दिवस पर एक दूसरे को बधाई दी। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का गौरवमय इतिहास है। इस पार्टी की विचारधारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आज देश को इस पार्टी की नीति सिद्धांत की काफी जरूरत है। राजनगर के बांदोडी बालूघाट से हो रही अवैध बालू ढुलाई को ग्रामीणों ने रोका। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर अंचल अंतर्गत बांदोडी खरकाई नदी बालूघाट से अवैध तरीके से बालू उठाव का ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध में ग्रामीणों ने बालू ढलाई कर रहे ट्रैक्टर को रोका। गुरुवार को बांदोडी के ग्राम प्रधान भरत चंद्र कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने किसी हाल में अवैध बालू उठाव नहीं होने देने की आवाज उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव वाले अवैध बालू उठाव बंद कराने खरकाई नदी बालूघाट पर गए थे, तो गांव के ही ऊपर टोला के बालू बेचने वाले दामू मुदैया, रायसिंह मुदैया, बिरसा अल्डा एवं सरजुम अल्डा ने ग्रामीणों को धमकी दिया कि जो करना है कर लो, हम लोग बालू उठाव बंद नहीं करेंगे। ज्यादा बोलोगी तो तुम लोग के ऊपर जाति सूचक गाली देने के नाम पर एसटीएससी एक्ट में केस दर्ज करा देंगे, जिससे हम लोग पीछे हट गए। इसके बाद हम लोगों ने बैठक कर प्रशासन को सूचना देने का निर्णय लिया। अवैध बालू उठाव से सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है, इसलिए प्रशासन अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। झारखंड सरकार के 4 साल पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद में गुरुवार को कहा कि झारखंड हर चुनौती से निपटने को तैयार है। राज्य के सर्वांगीण विकास में गांव का विकास महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कर्मियों समेत कई वर्ग के अनुबंध कर्मियों की पुरानी मांग को सरकार ने पूरा किया है। वे झारखंड सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य पर उपलब्धियां गिना रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान रहा है। इस अभियान के तहत हम विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला है। हेमंत सोरेन सरकार की 4वीं वर्षगांठ को लेकर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर आरोप पत्र जारी किया है। 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार आरोप पत्र जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए ने अब तक 13 साल शासन किया, यानी कि 4,764 दिन सरकार में रहा। यूपीए ने 10 साल यानी कि 3,625 दिन तक राज किया है। इसी दौरान यूपीए गठबंधन की सरकार में अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा है। बीजेपी ने जितना भी काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जेएमएम ने क्या काम किया है ये भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ की सरकार लगातार ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रहा है। आरोप पत्र में साफ लिखा हुआ है कि अगर देश में 9,59,00,000 पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो झारखंड में 35,27,135 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है।
3 करोड़ लोगों को पीएम आवास का लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है, तो झारखंड में 15,84,185 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। लेकिन हमने आरोप पत्र के माध्यम से सब कुछ बयां कर दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ झारखंड की जनता को कितना मिला है। ये अलग बात है कि झारखंड सरकार लोगों तक इन योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा पाती है। पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार, पोकलेन जलाने की घटना में थे शामिल। सिमडेगा पुलिस ने 2 पीएलएफआई उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उग्रवादियों ने कोलेबीरा थाना इलाके में 23 नवंबर को बेगरोम पेट्रोल पंप के पास मनोहरपुर रोड निर्माण कार्य में लगे पोकलेन को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कोलेबीरा थाना में अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में अनुसंधान करते हुए कोलेबीरा पुलिस ने 2 पीएलएफआई उग्रवादी सुरेंद्र यादव मुरकुंडा गुमला जिला निवासी और देवलाल सिंह डोलगेस्तरा गुमला जिला निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 7.65 एमएम का एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के देसी कट्टा और 3 राउंड जिंदा कारतूस के अलावा बाइक समेत कई मोबाइल और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया है। 40,000 का अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार, ऑपरेशन सतर्क के तहत बोकारो आरपीएफ ने की कार्रवाई। ऑपरेशन सतर्क के तहत बोकारो आरपीएफ ने मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे युवक को अंग्रेजी शराब के 185 बोतल व 96 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत 40,600 रुपया है। ये जानकारी बुधवार को आरपीएफ बोकारो ने दी है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम नीरज कुमार प्रसाद बताया है। कहा कि वो पेटरवार प्रखंड के मकान नंबर 125 कांडू टोला वार्ड नंबर 10 निवासी है। युवक के बैग से बरामद रॉयल स्टैग सहित अन्य ब्रांड की शराब की कीमत करीब 40,600 रुपया है। युवक जयनगर जाने वाले ट्रेन से शराब को बिहार ले जाने की फिराक में था। जंगलों में हो रही पेड़ों की कटाई, सूचना देने के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। गुमला प्रखंड की कतरी व कोडमा पंचायत के कीता, बरकनी, चरहू, डुमरडी, जोरी, जेराकी, पदगच्छा, मुड़वा आदि गांव के जंगलों से पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। पेड़ों की अवैध कटाई से न केवल जंगल सिमटते जा रहा है बल्कि पर्यावरण व क्षेत्र के स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जंगलों से पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन विभाग के कर्मियों को फोन करके इसकी जानकारी एक बार नहीं बल्कि कई बार दी गई है, परंतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ग्रामीणों ने मंगलवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी गुमला को हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र दिया है। आवेदन के माध्यम से ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी से जंगलों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। पलामू में 1 किलो 950 ग्राम गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने एनडीजीपी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। नाव बाजार की पलामू पुलिस ने रघु साव को 1 किलो 950 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नाव बाजार पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति झोले में गांजा बेचने के लिए घूम रहा है। इसके बाद एसडीपीओ विश्रामपुर सुरजीत कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल के द्वारा छापेमारी कर 54 वर्ष रघु साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ की तो उसने झोले में गांजा रखने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल भी बरामद किया है। इस छापेमारी दल में नावबाजार थाना प्रभारी नंदकिशोर दास, पुलिस अवर निरीक्षक कुणाल राजा, सहायक अवर निरीक्षक कदीर अंसारी व नावबाजार थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।